केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री के साथ पंजाब में हुई घटना के बाद उनकी दीर्घायु की कामना के साथ बाबा काल भैरव का श्रृंगार कर किया गया पूजन। एक छात्र के साथ हुई मारपीट का आरोप लगाते हुए यूपी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज का मुख्य द्वार बंद कर किया प्रदर्शन। पीएम के साथ पंजाब में हुई घटना के विरोध में भाजपा महामना मंडल द्वारा चन्नी सरकार व सोनिया गांधी का फूंका गया पुतला। और छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर हरिश्चंद पीजी कॉलेज के छात्रों ने प्रारंभ किया आमरण अनशन। और अब खबरें विस्तार से। पीएम के साथ पंजाब में हुई घटना के बाद उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए बाबा काल भैरव का श्रृंगार कर पूजन किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हुए हमले से कोई भी अप्रिय घटना न घटने की खुशी में व उनकी दीर्घायु की कामना के साथ बाबा काल भैरव के भव्य छप्पन भोग श्रृंगार का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी अनिल दुबे ने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के साथ पंजाब में घटना हुई, बाबा की ही कृपा से उन्हें कोई हानि नहीं पहुंची है। उनकी दीर्घायु की कामना के साथ हमने बाबा का पूजन अर्चन कर श्रृंगार किया है। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाकर मंत्री नीलकंठ तिवारी द्वारा भव्य आरती की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तों सहित भाजपा के कार्यकर्ता शामिल रहे। महन जी, आज किस तरह का श्रृंगार हुआ है जी? आज कल जो कल मोदी जी के साथ घटना पंजाब में घटी, उसी घटना के मद्देनजर बाबा के दरबार में सारे लोग माननीय मंत्री जी के साथ यहाँ आए हैं कि भगवान मोदी जी को सकुशल सुरक्षित रखें। और पंजाब सरकार की मैं घोर निंदा करता हूँ इस घटना के लिए। माननीय राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूँ कि तत्काल पंजाब सरकार को बर्खास्त कर दें। मोदी जी साक्षात रुद्रा अवतार हैं, उनको भगवान सुकुशल सुरक्षित रखे भारत के लिए, देश के। ये बाबा का 9 वर्ष में 9 कार्य हुआ है। ये 56 भोग बाबा का कंदमूल, जो कंदमूल होता है बाबा को फल का, पूरा 11 प्रकार का फल और 52 प्रकार का जो है 56 प्रकार का भोग व्यंजन लगा है। और मोदी जी का सुना प्रचार में देखा कि कुछ अवांछनीय तत्व जो हैं उनको ऊपर हमला करने का जो दुस्साहस किए हैं, तो ये काल भैरव के भक्त हैं और वो शिव के भक्त हैं, जो कालों के काल महाकाल हैं, उनको उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और इनके ऊपर बाबा की विशेष कृपा है। इसलिए वो 3 बार आए, कोई भी आज तक देश का प्रधानमंत्री यहाँ दर्शन करने नहीं आया। और जो यहाँ दर्शन कर लिया वो काल को भी मात करता है और वो दीर्घायु बने, इसी कामना के साथ ये विशेष पूजा मोदी जी के नाम पे हम लोगों के। वो हृदय प्रिय हैं, उनके तरह आज तक मैंने न भविष्य में न भूतो न भविष्यति। पहली बार ये श्रृंगार हुआ है? ये पहली बार हुआ है, नहीं तो ये श्रृंगार कभी नहीं ऐसे होता था। मोदी जी को मतलब खुशी में? मोदी जी के खुशी में हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी जी तो हमारे बहुत हृदय प्रिय वो भी हैं। वो भाई योगी हैं, वो गेरुआ पहन के वो योगी ये पुरुष हैं। अब मोदी और योगी के हाथ में अगर देश प्रदेश, पूरा प्रदेश और देश हो जाए तो ये बहुत आगे जाएगा, जो उसका कोई मुकाबला कोई देश नहीं कर सकता और आज भी नहीं कर सकता। भारत से ही जो गए हैं वो देश का नाम रोशन, उस देश का। एक छात्र के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए यूपी कॉलेज के छात्रों ने मुख्य द्वार बंद कर प्रदर्शन किया। यूपी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज का मुख्य गेट बंद करके प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज के अंदर मस्जिद है, जहां नमाज पढ़ने आने वाले युवक द्वारा छात्र अनूप सिंह को मारा पीटा गया है। मारने वाले युवक भोजुबीर के निवासी हैं। इस बात से गुस्साए दर्जनों छात्रों ने महामंत्री शिवम सिंह के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन किया। ये जो प्रदर्शन चल रहा है पिछले लगभग 2 महीने से छोटा मोटा कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है कि जो यहाँ पे नमाज पढ़ने आते हैं ऐसे एक तो तौलिया पे नमाज पढ़ने आते हैं और कॉलेज की हम लोग की लड़कियाँ जाती हैं तो उन लोग को अभद्रता करते हैं, कमेंट करते हैं। तो कॉलेज के जो आश्रम के लड़के हम लोग के, इन लोगों ने मना किया कि ऐसा मत करो। तो उसी के तहस निकाल के कल ये लड़का गया था वहाँ पे बाल बनवाने के लिए, तो लगभग 20 से 25 लोग आए, बाकायदा उसका रिकॉर्डिंग है। और कितने बेरहमी से इस बैट से इसके सर पे मारे, पूरी लिंचिंग करने की कोशिश किए थे केवल इसलिए कि एक हिंदू है
विरोध किया था कि क्या नाम है हमारे कॉलेज की लड़कियों को मत छेड़ो, जब तक कॉलेज में मस्जिद में नमाज होता रहेगा तब तक इसी तरह से प्रकरण रहेगा। आज से 3 साल पहले कॉलेज में नमाज नहीं होता था, आज इसी मस्जिद में 250 से 300 लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अरे भाई आप क्यों आते हैं, बनारस में और कहीं मस्जिद नहीं है? ये तो शिक्षा का मंदिर है ना, हम तो कहते हैं यहाँ पे ना मंदिर है ना मस्जिद है, कुछ नहीं रहना चाहिए। जो लड़के पढ़ रहे हैं कि वो सरस्वती माँ की पूजा करें, या मौलवी आते हैं कट्टरता की पाठ पढ़ाते हैं और लड़के कॉलेज के लड़के परेशान होते हैं, आए दिन किसी का पर्स छीन लेंगे, किसी को गाली गलौज करेंगे और बदनामी होती है हॉस्टल के लड़कों की। आप बताइए इस तरह से इसको क्यों मारा गया? केवल कॉलेज प्रशासन से शिकायत किया गया हम लोगों ने, उन लोगों ने पहले कहा कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, जब हमने पहली बार शिकायत किया था। आज किया तो उनको भी कान में जू रहेगा, उनको समझ में आया कि एक कट्टरता की वजह से केवल इसको मारा गया है। पुलिस इस समय चोरी का मुकदमा लिखी है, अरे क्या नाम है उसका, 151-52 धारा लगा रही है, इसका मोबाइल छीने है, बकायदे वीडियो में दिख रहा है, हम लोग के पास वीडियो है। जिस हिसाब से बैठ से वो मारे जा रहे थे उस हिसाब से ये चीजें थी, जान बचने की चांसेस बहुत कम। हम लोग को केवल 3-4 लोग का नाम पता है, ये सब यही तकिया पे रहते हैं, सबके सब एकदम कट्टरवार यहाँ में जो नमाज पढ़ते, क्या नाम है उनका, साजिद सोनू। कब कब कमाते हैं लोग नमाज? इन लोग का सुबह शाम नमाज करते हैं, 4 बजे कभी आ जाएंगे, कभी 3 बजे, कभी 2 ही बजे आ जाएंगे। 11 बजे घटना ऐसा, 5 बार नमाज पढ़ते हैं दिन में, 5 बार आके लड़कों को परेशान करते हैं। पीएम के साथ पंजाब में हुई घटना के विरोध में भाजपा महामना मंडल द्वारा चन्नी सरकार व सोनिया गांधी का पुतला दहन किया गया। सोनारपुरा स्थित चौराहे पर भाजपा के महामना मंडल द्वारा चन्नी सरकार और सोनिया गांधी का पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी और चन्नी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश का हिस्सा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की सौगात देने जा रहे थे, उस दौरान पीएम का काफिला बीच रास्ते में 15 से 20 मिनट तक रोक दिया गया, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। पुतला दहन में मुख्य रूप से राकेश जायसवाल, जगन्नाथ ओझा, सोनू झा, विपिन ओझा, आनंद चौरसिया इत्यादि दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। किस तरह का पुतला दहन किया? इनका पुतला इसलिए फूंका गया कि इन दोनों लोगों ने जो कृत्य किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ, कल पंजाब में जो पंजाब को इतनी बड़ी सौगात देने जा रहे थे, जिनको वहाँ के खालिस्तानियों ने, पंजाब के खालिस्तानियों ने जिस तरीके से वहाँ प्रधानमंत्री जी का विरोध किया, वहाँ रुक के कांग्रेस के सह पे, कांग्रेस सरकार की सह पे, इसका विरोध हम लोग यहाँ सोनिया गांधी और चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब सीएम का खुल के हम लोग उसको यहाँ पुतला दान किया गया। छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्रों ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन प्रारंभ किया। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों ने आमरण अनशन प्रारंभ किया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि वे विगत 3 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, इसके बावजूद महाविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं की गई, जिससे क्षुब्ध होकर हम छात्र आमरण अनशन करने को बाध्य हुए हैं। इस मौके पर सौरभ यादव, पीयूष यादव, रोहित कुमार, पंकज पटेल, अभय यादव इत्यादि छात्र शामिल रहे। किस तरह का चल रहा है यहाँ पर धरना? देखिए लगातार कुछ विशेष मानसिकता से कुंठित प्रदेश और देश की सरकार लगातार जब से सत्ता में है छात्र नौजवान महिलाओं के हितों का हनन कर रही है। उसी क्रम में पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि प्रदेश के तमाम महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में छात्र संघों के चुनाव पर भी कुंठाघात करने का प्रयास इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी के तमाम छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी और छात्र नेतागण विगत कई दिनों से धरने और अनशन पर बैठे हुए हैं, प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। तो अब तो आचार संहिता लगने वाला है, क्या लगता है? प्रशासन की मंशा तो लगभग ऐसी ही है कि आचार संहिता के बहाने चुनाव को टाल दिया जाए, लेकिन मैं इन नौजवान साथियों के जज्बे को सलाम करता हूँ कि अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो अपनी लड़ाई न लड़ सके समाज में किसी की लड़ाई कहाँ लड़ पाएगा। सरकार और प्रशासन अपना मन ठीक कर ले और सचेत हो जाए कि कहीं इसका परिणाम उसे आने वाले चुनाव में न भुगतना पड़ जाए। आज हम लोग जो भी वरिष्ठ छात्र नेता हम लोग हैं, हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज से पढ़ के निकले हैं, यहाँ पर छात्र संघ चुनाव को लेकर 5 दिन से धरना चल रहा है। हमारे जो भी छात्र नेता हैं वो अनशन पे बैठे हुए हैं और कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग सुनते थे कि हमारा जो लोकतंत्र है वो पूरे विश्व में सबसे अच्छा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की नसरी कहे जाने वाले छात्र संघ पे आज जिस प्रकार से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की नीयत गलत है और ताला बंद करने का काम किया, आज हम ही सभी छात्र नेता आज अपने छोटे भाइयों के समर्थन में आए हैं और मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं, अगर हम लोगों की मांग नहीं मांगी गई तो ये छात्र संघ के लोग
जिस प्रकार से युवा लोग देश की आज़ादी में निकले और देश को आज़ाद करके अंग्रेजों को खदेड़ के बाहर करने का काम किए थे, हम सभी युवा मिलकर आपको देश और प्रदेश से खदेड़ने का काम करेंगे अगर हमारा शासन चुनाव तत्काल घोषित नहीं हुए। हम लोग लगातार 4 दिनों से धरने में बैठे हैं और कल सुबह से हम लोग भूख हड़ताल और जल भी त्यागने का काम किए हैं। आपको लगता है कि चुनाव हो जाएगा? हमें चुनाव तो हम लोग करा के मानेंगे, चाहे उसके लिए हम लोग चाहे कुछ भी करना पड़े। अगर आपकी बातें नहीं मानी गई तो क्या करेंगे आप? आज हम लोग जल भी त्यागने का काम किए हैं और ये जो छात्र विरोधी सरकार है और ये जो तानाशाही सरकार चल रही है, उनकी तो यही मंशा है शासन चुनाव ना करा जाए, मगर हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, शासन चुनाव मांग रहे हैं, जो हमारा लोकतंत्र का अधिकार है। और ये जो तानाशाही सरकार है जो लोकतंत्र का हत्या कर रहा है, हम लोग शासन चुनाव करा के मानेंगे। SBSS इंटर कॉलेज में श्रम मंत्रालय द्वारा जारी पूर्व में बनाए गए असंगठित कामगारों का कार्ड रजिस्ट्रेशन कर उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। माँ फाउंडेशन सामाजिक संस्था वाराणसी उत्तर प्रदेश के द्वारा नई सड़क स्थित SBSS इंटर कॉलेज में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी पूर्व में बनाए गए असंगठित कामगारों का कार्ड रजिस्ट्रेशन कर उनको प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी मंडल के प्रभारी अमरीश सिंह भोला, विशिष्ट अतिथि आर्यमहिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल की प्राचार्य अंजना दीक्षित व SBSS इंटर कॉलेज के प्रबंधक रविनंदन तिवारी ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश महामंत्री राजकुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल, अनिल चौरसिया, अनिल तिवारी इत्यादि बड़ी संख्या में संस्था के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान लगभग 365 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। किस तरह की योजना है जो आज ये श्रम कार्ड वितरित किया जा रहा है? आज माँ फाउंडेशन संस्था की तरफ से ये ई कार्ड, ई श्रम कार्ड का वितरण का कार्यक्रम था। ई श्रम कार्ड श्रमिकों के लिए जो है केंद्र की सरकार ने लॉन्च किया है। ये कार्ड जो है जब वैश्विक महामारी कोरोना आई, जो हमारे असंगठित मजदूर थे, कामगार थे, उनके लिए ये योजना ले आई गई थी जो है, और पिछले वर्ष से ही इसकी योजना को धार देने के लिए प्रदेश सरकार भी और पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं ने खूब काम किया था। उसी निमित्त आज इस जितने भी कार्ड धारकों का कार्ड बना था, यहाँ पे माँ फाउंडेशन की तरफ से जो उसका वितरण का कार्यक्रम था। निश्चित तौर पे इस प्रकार से जिस प्रकार से माँ फाउंडेशन सामाजिक संस्था ने कार्य किया सराहनीय है कि समाज के विभिन्न अंग के लोगों को इसका लाभ पहुँचे, तमाम लोगों का कार्ड बनवाने में सहयोग आपने किया जो है। और आप अब देख रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से हर वर्ग, जाति विशेष नहीं, कोई धर्म विशेष नहीं, सभी जाति धर्म के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं जो है, और जिसका इस योजना का लाभ ले रहे हैं जो है। निश्चित तौर पर इस प्रकार की संस्थाओं का आगे आना देश के आगे की भविष्य को दिखाता है कि कैसे यहाँ के लोग जागरूक हैं। और इसी जागरूकता की आवश्यकता आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे कि और भी जो संस्थाएं हैं वो भी आगे बढ़ कर के निकलें श्रमिकों का कार्ड जो है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों की इसकी जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। जब सही तरीके से संगठन निकलेंगे, अपने घरों से प्रचार प्रसार करेंगे और सही व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा, तो निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को। कितना लक्ष्य है इस योजना का? इस योजना के अंतर्गत देखिए आज यहाँ पे 200 लोगों का कार्ड वितरण हो रहा है जो है, और ये लक्ष्य है इस माँ फाउंडेशन का, यहाँ के संस्थाओं का, कम से कम हम 10,000 लोगों का, श्रमिकों का कार्ड बनवाए और जितने ज्यादा से ज्यादा बन सके, ये जितनी संस्था के माध्यम से, माँ फाउंडेशन के माध्यम से, जितने प्रदेशों में ये योजना चलेगी, ये पूरे देश में योजना चल रही है जो है, सारे लोगों को लाभ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पराड़कर भवन के नए भवन निर्माण कार्य सहित विभिन्न योजनाओं का मंत्री नीलकंठ तिवारी ने फीता काटकर लोकार्पण किया।
पराड़कर स्मृति भवन के गर्दे सभागार में भाजपा मंत्री नीलकंठ तिवारी ने विभिन्न योजनाओं सहित पत्रकार भवन को भी अनुदान देकर नए भवन निर्माण के कार्य का भव्य लोकार्पण फीता काट कर किया। इस मौके पर काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुभाष सिंह, अत्रि भारद्वाज, नलिन नयन मिश्रा, जितेंद्र श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। दो दर्जन के आसपास परियोजनाओं का आज शिलान्यास लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। करीब 5 करोड़ के आसपास की परियोजनाएं हैं, जिसमें सड़कों का है, ट्यूबवेल है, सामुदायिक भवन है, अन्य भी डेवलपमेंट के कार्य हैं। कुछ विधायक निधि के हैं, कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए त्वरित विकास के कार्यों से संबंधित हैं, कुछ अवस्थापना निधि के कार्य हैं। ऐसे अनेक कार्य यहाँ पर आज शिलान्यास किए गए हैं, जिसमें पराड़कर स्मृति भवन के भी कार्य हैं और भी कार्य हैं। इन कार्यों से जनता को सीधे लाभ प्राप्त होगा, जो कहीं हालांकि दक्षिणी में बहुत हमारे विधानसभा क्षेत्र में सड़कें या गलियां लगभग ठीक हैं, लेकिन जो छोटी मोटी उसमें तोड़फोड़ या समस्या थी उसको दूर करने का लिए जो भी योजनाओं की जरूरत थी आज उसका शिलान्यास किया गया। काशी पत्रकार संघ के लिए क्या योजना है? यहाँ पर सामुदायिक भवन का एक निर्माण हो रहा है और भी जो आवश्यकताएं होंगी उस सबको पूरा किया जाएगा। कब तक ये आपका योजना सब पूरा हो सकता है? सब 3 महीने के अंदर सभी योजनाएं पूर्ण हो जाएंगी। किस तरह का लोकार्पण हुआ और क्या संदेश देंगे? ये हमारे माननीय मंत्री जी डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी से हम लोगों ने बातचीत की थी और हम लोगों के आग्रह को इन्होंने स्वीकार कर लिया और यहाँ पर एक नया सामुदायिक भवन बन रहा है जो करीब लगभग 11 फुट चौड़ा और 40 फुट लंबा होगा। उसमें एसी वगैरह सारी सुविधा होगी और बाथरूम वगैरह भी बनेगा। एक हम लोगों के लिए महसूस की जा रही थी ज़रूरत इसकी, क्योंकि कभी कभी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल छोटा पड़ता था, तो इसके बनने से बड़े स्तर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारे यहाँ आयोजित हो सकते हैं, गोष्ठियाँ हो सकती हैं उसमें जो कम से कम 50 सदस्यों की। तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, अब इनके बारे में कार्यों को गिनाने की ज़रूरत नहीं है। हजारों करोड़ की परियोजना पर काम किए हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर का काम किया इन्होंने, इसके पहले धर्मार्थ कार्य संस्कृति और पर्यटन विभाग को सजा के तौर पर माना जाता था, कितनी खुशी है। लेकिन आज जो है यही विभाग तीनों बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस पर है और सबसे बड़ी परियोजनाओं पर इन विभागों द्वारा काम हो रहा है। ये कितनी खुशी है। पत्रकार साथी खुश हैं कि मंत्री जी ने, क्षेत्रीय हमारे विधायक भी हैं और संयोग से कद्दावर मंत्री हैं प्रदेश के, इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। ये इनकी सोच बड़ी थी लेकिन लोग थोड़ा समझ नहीं पाए पिछले कार्यकाल के दौरान, लेकिन अब इन्होंने शुरुआत की है। हमारी शुभकामना है ये दोबारा यहाँ से चुनाव जीतें और बहुत और भी महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी इनको मिले। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों से मास्क लगाने की पुलिस ने अपील की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शहर के प्रमुख चौराहों में से एक मैदागिन चौराहे पर पुलिस टीम द्वारा बिना मास्क पहने लोगों से मास्क पहनने व कोविड के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करने की अपील की गई। इस दौरान पुलिस टीम ने सभी काशीवासियों और पर्यटकों से कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी नियमों का कड़ाई से पालन किए जाने को कहा। यूपी में कोरोना के बाद अब एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है, जो कि बता दें कि पूरी तरीके से ओमिक्रॉन जो कि नया वायरस जो कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से अपना पांव पसार चुका है। और इस समय हम जहां पे खड़े हैं ये देख सकते हैं आप, यहां से टूरिस्ट में से मतलब काशी विश्वनाथ जाने का रास्ता है, काल भैरव जाने का रास्ता है और यहां पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से प्रशासन लगी हुई है, सारे लोग मास्क में दिखाई दे रहे हैं जो कि मास्क लगाना बिल्कुल अनिवार्य है। जिस तरीके से ओमिक्रॉन ने दस्तक दिया है और लगातार दिल्ली NCR के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है, तो हम इस समय इस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है, बिना मास्क वाले लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण जो कि सरकार
अब योगी सरकार का खुद का बड़ा बयान है और बड़ा सवाल यही है कि मास्क लगाना बिल्कुल अनिवार्य है। और प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए तो प्रशासन अपने तरीके से बिना मास्क वालों को रोक के चालान भी काट रही है और यातायात विभाग के लोग भी खड़े हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अधिकारी यहाँ पे खड़े हैं जो मास्क नहीं लगा रहे, उनको भी रोक कर मास्क के लिए समझाया जा रहा है। मगर ये जो जिस तरीके से यहाँ पर ओमिक्रॉन का जो दस्तक है और जो बड़ी बीमारी, जो कि इससे निजात अगर पाना है तो मास्क लगाना है। उसके बाद साथ ही साथ अगर बात की जाए तो लॉकडाउन, जो कि योगी जी का बड़ा बयान है कि वीकेंड लॉकडाउन, मतलब कि दिल्ली के बाद वाराणसी में भी वीकेंड लॉकडाउन लग सकता है। जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं पुलिस कर्मी यहाँ पर मौजूद है और बिना मतलब कि जो दो पहिया वाहन हो तो चार पहिया वाहन हो, टूरिस्ट जगह पे जाने के लिए बिल्कुल मना है, बैरिकेड किया गया है। और पूरी तरीके से जो मास्क लगाकर नहीं दिखाई दे रहे हैं उनको रोक के, उनको रोक कर समझाया जा रहा है और कोरोना मास्क को लेकर उनको बताया जा रहा है कि मास्क लगाना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि वाराणसी में दस्तक दे चुका है ओमिक्रॉन। एक अधिकारी जी यहाँ पे खड़े हैं, इससे हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे बिना मास्क वाले की संख्या जो देखने को मिल रही है उनको किस तरीके से समझाया जा रहा है। सर सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सर श्रीकांत मोर्य। बोले जी, हम जाना चाहते हैं जिस तरीके से टूरिस्ट प्लेस हो चुका है और इतनी भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर बात की जाए तो कितने लोग जो बिना मास्क के जा रहे हैं तो उनको किस तरीके से समझाया जा रहा है? अभी फिलहाल तो जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग कोरोना के कारण मास्क ला के चलिए और सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलिए, क्योंकि अगर किसी अगर बीमारी बढ़ती है तो उसके कारण कुछ पाबंदियाँ और भी बढ़ाई जा सकती है। जी बिल्कुल श्रीकांत, दिल्ली में जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा 2000 रुपये की चलान फाइन भरना पड़ रहा है बिना मास्क वालों को, जिस तरीके का रूल अभी वाराणसी में लागू तो नहीं हुआ है, क्या होना चाहिए? अब ये सब हमारे स्तर का निर्णय नहीं है, जैसा शासन द्वारा निर्णय लिया जाएगा वैसे किया जाएगा। फिलहाल अभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, समझाया बुझाया जा रहा है। प्रत्येक केसेस को लेकर बात की जाए तो जनता के बिना मास्क के जो रोड पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है उसके तरफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? अभी जो है जनता को जागरूक किया जा रहा है कि जो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, बिना आवश्यकता के घर से निकले। जहाँ पे भीड़ लगी हुई पीछे देख सकते हैं, भीड़ लगी चाहे तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, उसको लेकर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जागरूक किया जाए, लोगों को हटाया बढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कि अपने तरीके से पुलिस पूरी तैयार है और जागरूक किया जा रहा है, मतलब कि बिना मास्क वालों को रोक कर समझाया जा रहा है, अभी जागरूक किया जा रहा है, मगर बिना मास्क वालों को, टूरिस्ट की अगर बात की जाए तो टूरिस्ट को भी, बनारस की जनता हो या प्रशासन हो, उनको बताना पड़ेगा कि बिना मास्क के अनिवार्य नहीं है यहाँ पर आना। मतलब कि उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन ने अपना पांव पसार लिया है और अब तक कई मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है देश में, जिसको देखकर माने योगी जी का बहुत बड़ा बयान आ चुका है कि दिल्ली के बाद अब बनारस में, मतलब वाराणसी शहर में भी वीकेंड लॉकडाउन लग सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट कृषि आनंद के साथ केडीवी न्यूज के लिए। हसीघाट पर नवम पंचतीर्थ संगीतमय सुंदरकांड पाठ परिक्रमा समारोह आयोजित किया गया। अस्सीघाट स्थित सुबह बनारस के मंच पर नवम पंचतीर्थ संगीत में सुंदरकांड पाठ परिक्रमा समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम निर्मल गंगा अविरल गंगा लोक कल्याण एवं स्वच्छ भारत के निर्माण हेतु आयोजित किया गया है। सुंदरकांड का पाठ पंडित प्रेम प्रकाश दुबे के मुख से लोग सुनकर भाव विभोर हो गए। किस तरह का आयोजन हो रहा है, क्या है यार? ये विगत 8 वर्षों से ये 9वां वर्ष है, हम लोग लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अविरल गंगा निर्मल गंगा की संकल्पना को लेकर के, स्वच्छ काशी और सुंदर काशी की परिकल्पना को लेकर के भगवान हनुमान जी की आराधना करते हैं गंगा तट पे आज बैठ करके। चूंकि कल अभी जो सूचना प्राप्त हुई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर जिस तरह का मामला सुनने में सुरक्षा में चूक पाई गई, हम सब आज काशी से उनके भी दीर्घायु होने की, उनके स्वस्थ और उनके मंगल की कामना के लिए भी हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। और लोक कल्याण की भावना से सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की परिकल्पना से काशी के सभी विद्वज्जन आज बैठे हुए हैं। हम सब माँ गंगा के किनारे बैठ करके हनुमान जी से आराधना कर रहे हैं कि लोक का कल्याण हो और जो ये महामारी लगातार फैल रही है इस महामारी से भी हम सबको निजात मिल सके। चंदौली सकलडीहा चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में हुई चूक के विरोध में भाजपा नेताओं ने चंदौली सकलडीहा चौराहे पर पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। साथ ही पंजाब सरकार और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेता कृष्णानंद पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ता सकलडीहा चौराहे पर एकत्रित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में भारी चूक होने के विरोध में भाजपा नेता कृष्णानंद पांडे व कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा नेता कृष्णानंद पांडे ने कहा कि कांग्रेस को अपनी हार दिख रही है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना राज्य सरकार का कर्तव्य है, लेकिन पंजाब की सरकार कर्तव्य भूल चुकी है। जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो पंजाब की जनता की सुरक्षा वो कैसे करेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी व कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान सत्यप्रकाश गुप्ता, अवधेश सिंह, कमलापति पांडे, विनोद उपाध्याय, रामावत गुप्ता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पंजाब में जाकर के कई योजनाओं परियोजनाओं का शिलान्यास करना था और एक सभा करनी थी, मगर कांग्रेस के साजिशकर्ताओं ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री वहां के प्रदेश अध्यक्ष जो खालिस्तान समर्थित सरकार वहां बना के रखे हुए हैं एक साजिश के तहत कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सभा स्थल तक पहुंचने से रोका गया। यहां तक कि संविधान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता, तो भारत के संवैधानिक पद होता है, लेकिन वहां का मुख्यमंत्री, वहां का डीजीपी, वहां का मुख्य सचिव प्रोटोकॉल में वो एयरपोर्ट से लेकर के कहीं वो दिखे नहीं। यहाँ तक कि साजिश के तहत उपद्रवियों को जो खालिस्तान समर्थित तकली किसान है जाकर के वहाँ पर जाकर के उनको घेरने का वो 20 मिनट की भयावह की स्थिति बनी रही। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी उनके सुरक्षा कर्मियों को जो कम से कम भारत को एक बहुत बड़े दंगे से बचा लिए। ये सरकार चाहती थी पंजाब की कि वो लोग जाएं वहाँ पर गोलियाँ चले ताकि देश में दंगा भड़के, लेकिन अपने बच्चे देते हुए वापस किस तरह निकल गए। मैं चाहता हूँ कि जिम्मेदारी तय करके पंजाब सरकार के खिलाफ कार्रवाई किया जाए, ऐसे लोगों को तुरंत बर्खास्त किया जाए, वहाँ के गृहमंत्री को, वहाँ के मुख्यमंत्री को। बार चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान कागज का दुरुपयोग किया गया। प्रत्येक वर्ष संपन्न होने वाले बार के चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान कागज के हैंडबिल, पैम्पलेट, पोस्टर इत्यादि का भरपूर मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है, जिससे संपूर्ण कचहरी परिसर में गंदगी का अंबार लग जा रहा है तथा कागज जिस पर हैंडबिल, पोस्टर इत्यादि छपता है उसका भी भरपूर मात्रा में दुरुपयोग हो रहा है। इस दौरान ग्रीन पीस नेचर फाउंडेशन, जिसका मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण करना तथा वृक्षों की अस्मिता को बनाए रखने के लिए कृतसंकल्पित है, उन्होंने निवेदन किया कि बार के चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान किए जा रहे कागज के दुरुपयोग को रोका जाए, जिससे वृक्ष के साथ साथ मानव का जीवन भी सुरक्षित हो सके। हम जो आज से कचहरी परिसर में एक अभियान चला रहे हैं, क्योंकि चुनाव के समय जो है जो हैंडबिल और जो पंपलेट है उसके वजह से कचहरी में बहुत ही गंदगी फैल रही है, और उसके साथ साथ हम ग्रीन पीस नेचर फाउंडेशन से हम लोग जुड़े हुए हैं और हैंडबिल के लिए जो पेड़ पौधे कट रहे हैं वो बहुत नुकसानदायक हैं, तो उसी के लिए हम लोग आज से हस्ताक्षर अभियान चलाने के लिए सोचे हैं। तो ये जो मांग कर रहे हैं किससे कर रहे हैं? ये हम अपने अध्यक्ष और महामंत्री से मांग करेंगे, उसके पहले हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। कितने लोग असमर्थन कर रहे हैं अभी तक आप? अभी तो असमर्थन कोई नहीं किया है, सब लोग समर्थन ही किए हैं। क्या लगता है कितना फायदा पहुँचेगा इस अभियान से? इससे हमको तो लगता है कि फ़ायदा बहुत पहुँचेगा, लेकिन जागरूकता आएगी, बहुत जागरूकता आएगी, क्योंकि जो लोग भी सिग्नेचर किए हैं बहुत खुश हुए हैं। जो लोग इस तरह गंदगी फैला रहे उनसे क्या कहेंगे? उनसे आग्रह करेंगे, उनसे भी हस्ताक्षर करवाएंगे, क्योंकि जो चुनाव में लड़ रहे हैं प्रत्याशी उनसे भी कहेंगे। और एक चीज़ और हम सोचे हैं कि जो आपका खर्च हो रहा है हैंडबिल पे, पंपलेट पे, वो आप बार में अगर आपकी इच्छा है तो आप बार में जमा कर दीजिए, वो पुनः हम लोग के ही काम में आएगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री के साथ पंजाब में हुई घटना के बाद उनकी दीर्घायु की कामना के साथ बाबा काल भैरव का श्रृंगार कर किया गया पूजन। एक छात्र के साथ हुई मारपीट का आरोप लगाते हुए यूपी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज का मुख्य द्वार बंद कर किया प्रदर्शन।
पीएम के साथ पंजाब में हुई घटना के विरोध में भाजपा महामना मंडल द्वारा चन्नी सरकार व सोनिया गांधी का फूंका गया पुतला। और छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर हरिश्चंद पीजी कॉलेज के छात्रों ने प्रारंभ किया आमरण अनशन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।